हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर से एक यूनिक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा, एक बाउल में मैंने बेसन लिया है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, मोज़रेला चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बॉयल पोटैटो और लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ सूखे मसाले जैसे कि रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर और लेमन जूस। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब हम खाली बाउल लेंगे और इसमें बॉयल आलू को डाल देंगे और सबसे पहले हमने इन्हें मैश करना है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन। आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे और फिर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले हम इन सबको मिला देंगे। सारे मटेरियल को हमने मिला दिया है, अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने 1 स्पून लिया है, और अब मैं लूँगी 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और इसमें 1/4 स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है। और अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, आप इसकी जगह अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, और इसे हम हाथ से मिलाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी बढ़िया डो तैयार करेंगे। बढ़िया डो तैयार हो गई है, अब हम इसमें से कुछ पार्ट लेंगे और इसे ऐसे राउंड बनाएंगे और इसे फ्लैट करेंगे पहले। और इसमें हम डालेंगे इसके बीच में मोज़रेला चीज़ और फिर इसे हमने राउंड घुमा देना है। ऐसे ही हम सारे स्नैक्स को रेडी करेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, थोड़ा सा मटेरियल लिया, राउंड घुमाया, फ्लैट किया और इसमें मोज़रेला चीज़ जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ऐड किया और फिर इसे पैक कर दिया और ये हो गया तैयार। अब हम ऐसे ही सारे स्नैक्स को रेडी करेंगे। स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं और एक तरफ मैंने फिर से ऑयल गरम कर दिया था, इसमें हम इन स्नैक्स को डीप फ्राई करेंगे। पहले गैस की फ्लेम को लो रखेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे, उसके बाद ही हमने फ्लेम को हाई करना है। अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, अब मैं इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करूंगी। बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में टी टाइम में टेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे स्नैक्स अंदर से भी पक चुके हैं और बाहर से भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और ऐसे ही मैं अब सारे स्नैक्स को रेडी करूंगी।